Hello, welcome to Enlivening India. Welcome to another series of questions of modern history asked in SSC CGL exam. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट मेट एट. तो इसके ऑप्शंस हैं कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद. दोस्तों पहली जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वो एओ ह्यूम ने ऑर्गेनाइज की थी 1885 में. दोस्तों एलन ऑक्टेवन ह्यूम एक सिविल सर्विस ऑफिसर थे और इन्होंने ये अप्रूवल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने का वाइसरॉय डफरिन से लिया और वोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के और 72 डेलीगेट्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया. तो सही आंसर है इसका बॉम्बे. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय एनी बीसेंट. तो दोस्तों ऑप्शंस हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सी टाइम्स ऑफ इंडिया और डी न्यू इंडिया. तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर एनी बीसेंट द्वारा जो चालू किया गया था वो था न्यू इंडिया. एनी बीसेंट इसकी एडिटर थी. क्वेश्चन नंबर थ्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय. तो ऑप्शंस हैं जिन्ना, बी सैयद अहमद खां, सी अब्दुल कलाम आज़ाद और डी भुट्टो. तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टार्ट एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और इसे स्टार्ट किया था सैयद अहमद खान ने 1875 में. तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान. होम रूल लीग्स व फॉर्म ड्यूरिंग. दोस्तों होम रूल लीग कब बनी थी. ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बी बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और डी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो दोस्तों होम रूल लीग बनाई गई थी 1916 टू 1918. दो ईयर्स इसमें लगे थे और ये स्टार्टिंग था होम रूल लीग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी. तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये बनाई गई थी. ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. इनमें से कौन सा लीडर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का नहीं है. तो दोस्तों ए लोकमान्य तिलक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे, बी औरबिंदो घोष ये भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, सी लाला लाजपत राय भी और डी ऑप्शन है ए ओ ह्यूम. तो दोस्तों ए ओ ह्यूम जो थे वो मॉडरेट ग्रुप के थे और ये मॉडरेट ग्रुप जो था वो 1885 से 1905 के बीच में क्रिएट किया गया था. द स्वराज पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज बाय. दोस्तों स्वराज पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी. तो दोस्तों स्वराज पार्टी चितरंजन दास ने की थी और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी. सी आर दास जो थे वो स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेक्रेटरी थे और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन जनवरी 1923 में किया गया. दोस्तों और ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज या सेल्फ रूल से. तो इन्होंने स्वराज पार्टी की नींव रखी. द हिस्टोरिक फास्ट बाय गांधी जी केम टू एन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ. दोस्तों गांधी जी का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक फास्ट है वो कौन से इवेंट्स के द्वारा ब्रेक हुआ. तो ऑप्शंस हैं ए पूना पैक्ट, बी इशू ऑफ वाइट पेपर, सी गांधी इरविन पैक्ट और डी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. तो दोस्तों पूना पैक्ट जो है वो अग्रीमेंट था बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर जो कि 24 सितंबर 1932 को गेरवाड़ा जेल पूना में साइन किया गया बाय गांधी जी. दोस्तों गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश पीएम रामजे मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ क्योंकि उन्होंने दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे. तो इसलिए महात्मा गांधी इस चीज़ से नाखुश थे कि उन्होंने रामजे मैकडोनल्ड को ऐसा नहीं करना था. उनको ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड नहीं करने थे दलित लोगों को. तो इसका सही आंसर है पूना पैक्ट. हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो दोस्तों तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 1931 और 1932 में. दोस्तों ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा करवाई गई थी लंदन में और ये डिस्कस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया को डिस्कस करने के लिए ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई थी.
तो इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सर तेज बहादुर सापरू, डॉक्टर अंबेडकर और सी वाई चिंतामणि। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। तो दोस्तों जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 19 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुई थी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन इज, ऑप्शन इज चर्चिल, बी रामसे मैकडोनल्ड, कैम्बरलिन और दिसराली। तो दोस्तों ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडोनल्ड थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। तो ये इसका सही आंसर रामजे मैकडोनल्ड है। द खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, दोस्तों खिलाफत मूवमेंट किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ये प्रोटेस्ट इंडिया में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन है इजिप्ट, बी अरेबिया, सी पर्शिया, डी टर्की। दोस्तों टर्की को हम ऑटोमन एम्पायर भी बोलते हैं पुराने समय में। तो दोस्तों खिलाफत मूवमेंट जो था वो 1919 टू 1924 में स्टार्ट के बीच में स्टार्ट किया गया था। ये इंडियन मुस्लिम्स द्वारा स्टार्ट किया गया था विथ इंडियन नेशनलिज्म ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन। दोस्तों इसका पर्पज़ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना ताकि वो ओटोमन सुल्तान को एज ए खलीफ ऑफ इस्लाम की अथॉरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन ये हो नहीं सका और ओटोमन एम्पायर वॉर के एंड तक पूरा पूरा ख़त्म हो गया था। तो सही आंसर है टर्की। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार, दोस्तों खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। 1929 में दोस्तों खुदाई खिदमतगार की नींव रखी गई, इसे नॉन वायलेंट स्ट्रगल भी कहा गया ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, जो कि पठान या पाश्तून ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा किया गया। और इसके मेन जो कर्ता धर्ता थे वो थे अब्दुल गफार खां। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद भी एक बहुत ही हमारे बाद में चल के एजुकेशन मिनिस्टर हुए, और मौलाना मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, ये सारे भी फ्रीडम फाइटर्स थे, बट इसमें अब्दुल गफार खान को बहुत ही ज़्यादा खुदाई खिदमतगार मूवमेंट इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसे कभी कभी रेड शर्ट मूवमेंट भी कह के पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, खुदाई खिदमतगार, क्योंकि वो बेसिकली जो अब्दुल गफार खान थे ये रेड कलर की शर्ट पहनते थे, इसलिए इसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है अब्दुल गफार खां। द मोपला रेबेलियन ब्रोक आउट इन, तो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, चौरी चौरा, सी मलाबार और डी तेलंगाना। तो दोस्तों मोपला रेबेलियन एक रेबेलियन ब्रोक आउट हुआ था मलाबार रीजन में, जो कि मलाबार अपराइजिंग भी इसे कहा गया, या आर्म्ड अपराइजिंग ऑफ 1921 अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। ये ब्रिटिशर्स और हिंदूज के खिलाफ था, जो कि मलाबार के मुस्लिम्स थे, उन्होंने ये रेबेलियन ब्रिटिश गवर्नमेंट और हिंदूज के खिलाफ स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर है मलाबार। द जर्नल पब्लिश्ड इन इंडिया बाय द कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, तो ऑप्शंस हैं कैलकटा गजीट, बी इंडिया, सी बंगाल ट्रिब्यून और डी कैलकटा ट्रिब्यून। तो दोस्तों इसका सही आंसर इंडिया है। चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वॉज लेड बाय, दोस्तों चंपारण जगह है बिहार के पास और खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। दोस्तों ये दोनों दोनों सत्याग्रह जो थे वो महात्मा गांधी द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इन्हें महात्मा गांधी ने लेड किया। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोस्तों पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी वो हैं, ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी राजकुमारी अमृत कौर। तो सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, दोस्तों प्रार्थना समाज को प्रेयर सोसाइटी भी बोलते हैं, इसे 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी ने चालू किया था केशव चंद सेन जी की मदद से। और दोस्तों इनका जो एम था वो ये लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि भगवान परमात्मा एक ही है और हमें एक ही परमात्मा पे
फोकस करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये प्रार्थना समाज का मेन एम था। तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम, बी एनी बेसेंट, सी हेनरी कॉटन और डी डब्ल्यू वेडरबर्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एलन ऑक्टावन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापना की 1885 में, और इसमें इसका पहला जो सेशन था वो बॉम्बे में हेल्ड हुआ, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो उमेश चंद्र बैनर्जी थे, और 72 डेलीगेट्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मीटिंग को अटेंड किया। तो इसका सही आंसर ए ओ ह्यूम है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? तो ऑप्शंस हैं आत्माराम पांडुरंग, बी राजा राम मोहन रॉय, सी ईश्वर चंद विद्यासागर और डी एनी बेसेंट। तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की संस्थापना की। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन रॉय। दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की संस्थापना की, और ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, 1828 में कोलकाता में चलाया गया, और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन रॉय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे किसे इम्पीचमेंट मोशन द्वारा हटा दिया गया था, किस गवर्नर जनरल को? तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी वॉरन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कैनिंग, डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वॉरन हेस्टिंग्स को इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा हटा दिया गया था। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज सेट अप बाय? दोस्तों किसके द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेट हुई? अरुणा आसफ अली, राज बिहारी बोस, जयप्रकाश नारायण, एस एम जोशी। तो दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1920 से 1942 में चली काम करी, और 1928 में से फाउंड किया गया था राज बिहारी बोस द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 जो था वो एक दोस्तों खेड़ा एक गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी ब्रिटिश राज के समय पे, और ये कम्प्लीटली जो सेकेंड सत्याग्रह था जो कि इंस्पायर्ड था मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, और इसे लेड किया था, इनिशिएट किया था मोहनलाल पंड्या ने, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, अर्लीस्ट फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, नरहरि पारिख और रविशंकर व्यास के। तो आंसर है मोहनलाल पंड्या। हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोब इन टू। दोस्तों हंटर कमीशन क्यों अपॉइंट की गई थी? दोस्तों हंटर जो थे, विलियम हंटर ये जो थे, ये चेयरमैन थे इन इस कमीशन के, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, और ये फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल भी थे फॉर स्कॉटलैंड एंड सेनेटर ऑफ कॉलेज ऑफ जस्टिस इन स्कॉटलैंड। और ये दोस्तों इंक्वायरी करने के लिए कमीशन भारत में आया जलियांवाला बाग मैसेकर का, कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या मतलब ऐसा क्या था जो नहीं होना चाहिए था। बाद में दोस्तों जनरल डायर के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया, इंक्वायरी हुई और जनरल डायर को छोड़ दिया गया, जिन्होंने ओपनली जलियांवाला बाग में फायर करने को कहा था ऑफिसर्स को। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग को इंक्वायर करने हंटर कमीशन भारत आया था। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो दोस्तों इसमें से कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो दोस्तों 1857 ये वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये लिखी थी। ऑप्शंस हैं वी डी सावरकर, बी एस आर शर्मा, सी आर सी मजूमदार और सैयद अहमद खां। तो दोस्तों ये लिखी थी वी डी सावरकर ने, और 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ था। इंडियन प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, पॉलिटिकल राइटर थे, पोएट थे, और जो ये इंडिपेंडेंस इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस बुक इन्होंने लिखी, ये सिपॉय म्यूटिनी को
से रिलेटेड थी। तो इसका सही आंसर है वीडी सावरकर। व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह? दोस्तों महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह क्यों किया, मतलब उनका बेसिकली मतलब क्या था सॉल्ट सत्याग्रह करने का? तो ऑप्शंस हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बी इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, सी रिपील ऑफ द सॉल्ट लॉ और डी कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर। तो दोस्तों सॉल्ट सत्याग्रह, रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ, उन्होंने जो भी टैक्सेशंस ब्रिटिश सरकार ने जो भी सॉल्ट प्रोडक्शंस में जो भी टैक्सेशंस लगाए थे उसको रिपील करने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह किया। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द होम रूल लीग? तो दोस्तों इनमें से एनी बेसेंट के साथ मिलके किसने होम रूल लीग में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाया? तो ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महागोविंद रानाडे और महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। द हिस्टोरिक 1916 लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर द, तो दोस्तों लखनऊ पैक्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था कॉर्डियल रिलेशन डेवलप करने को बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन स्टैब्लिश हो सके। तो दोस्तों लखनऊ पैक्ट को प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इसका सही आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? दोस्तों आर्य समाज के फाउंडर जो हैं इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं, बी मदन मोहन मालवीय, सी ईश्वर चंद विद्यासागर और डी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही आंसर दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज एक हिंदू इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि प्रमोट करता था वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन बिलीव्स ऑन द अथॉरिटीज एंड इनफॉलिबल अथॉरिटीज ऑफ द वेदास, और इसकी संस्थापना 7 अप्रैल 1875 में की गई। दोस्तों दयानंद सरस्वती जो थे वो एक हिंदू रिलीजियस फाउंडर थे आर्य समाज के और वैदिक ट्रेडिशन के, और वैदिक स्कॉलर भी हुआ करते थे संस्कृत लैंग्वेज में। तो दोस्तों इसका सही आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाय, दोस्तों तत्वबोधिनी सभा किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, अभी हमने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की फाउंडेशन रखी, बी आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रेयर्स प्रार्थना सोसाइटी प्रार्थना समाज की, सी एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट और डी देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही आंसर है तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर हुआ करते थे दोस्तों, और इन्होंने ये कैलकटा में 6 अक्टूबर 1839 में ये तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत की एज अ ग्रुप ऑफ ब्रह्मो समाज, और ये रिफॉर्मर थे हिंदू हिंदुइज्म के और इंडियन सोसाइटी के। दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो फिलोसोफर भी हुआ करते थे और रिलीजियस रिफॉर्मर भी, और इन्होंने काफ़ी हिंदू रिलीजन को एक मार्गदर्शन देने के लिए काफ़ी काम किया था। तो इसका सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।